हाय, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑन ओपन कंसल्ट। मैं हूं डॉक्टर विशाल और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि पल्स ऑक्सीमीटर को यूज़ करने का सही तरीका क्या होता है। जैसे जैसे कोरोना वायरस का एपिडेमिक बढ़ता जा रहा है, बहुत सारे लोगों ने मेडिकल डिवाइसेस खरीद के अपने घर पर रखना शुरू कर दिया है और वैसे ही ये ज़्यादा इजीली अवेलेबल भी होती जा रही है। सो दिस वीडियो इज़ मेंट टू एक्सप्लेन यू इन डिटेल कि ये पल्स ऑक्सीमीटर की मशीन कैसे यूज़ की जाती है। सो दिस इज़ अ मशीन विच आई हैव बॉट फ्रॉम अ मेडिकल स्टोर। आप ये मशीन को अमेजोन पे भी ले सकते हैं, बट आई हैव ऑब्जर्व दैट द प्राइसेस आर लेस इन अ मेडिकल स्टोर कंपेयर टू ऑनलाइन वेबसाइट्स। और पल्स ऑक्सीमीटर की बहुत सारी कंपनीज आती हैं, आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, ऐसी कोई स्पेसिफिक कंपनी नहीं है जो कि बहुत अच्छी है या बहुत ख़राब है। एंड जो बेसिक इन्फॉर्मेशन रहती है मेजॉरिटी पल्स ऑक्सीमीटर्स में वो लगभग सेम ही रहती है। तो ये पल्स ऑक्सीमीटर जब आप लाएंगे तो सबसे पहले आपको उसकी ये देखना है कि उसके साथ बैटरीज आती है कि नहीं। मेजॉरिटी जो पोर्टेबल पल्स ऑक्सीमीटर्स हैं ये घर के हल्के फुल्के यूज़ के लिए रहते हैं, दे आर नॉट फॉर कंटिन्यूस मॉनिटरिंग जैसे हॉस्पिटल्स में होते हैं। तो इनमें बैटरी जाती है और वो बैटरी एक लिमिटेड समय तक ही काम करती है। तो वंस यू ब्रिंग देम यू मेक श्योर दैट यू हैव पुट द बैटरी, आपने अंदर बैटरी डाली है, वो फुल्ली अच्छे से नई बैटरी है, चार्ज है, जिससे कि आपकी रीडिंग्स एकदम सही आए। द नेक्स्ट थिंग वी नीड टू नो इज़ दैट ये मशीन काम कैसे करती है। तो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि इसके अंदर एक रेड कलर की लाइट होती है। जब आप पावर का बटन दबाएंगे तो आप देख पाएंगे कि इसके अंदर एक रेड कलर की लाइट है। ये लाइट आपके फिंगर के थ्रू जाती है और ये पता करती है कि आपके ब्लड में ऑक्सीजन वाले RBCs कितने हैं कंपेयर टू बिना ऑक्सीजन वाले। और ये जो परसेंटेज है ऑक्सीजनेटेड रेड ब्लड सेल्स यानी कि ऑक्सीजनेटेड RBCs का, ये परसेंटेज आपको स्क्रीन पे दिखाई देता है नंबर के फॉर्म में, जैसे कि 90%, 95%, 98%, 99% वगैरह। साथ ही में इसमें एक और इन्फॉर्मेशन रहती है विच इज़ योर पल्स रेट। तो पल्स रेट आपका इस मशीन द्वारा पता चल जाता है कि नॉर्मल रेंज में है, नॉर्मल रेंज से कम है या नॉर्मल रेंज से ज़्यादा है। कुछ मशीनों में एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी होती है जैसे कि परफ्यूजन इंडेक्स या PI परसेंटेज। फ्यूजन इंडेक्स का मतलब होता है कि जहाँ पे भी जिस फिंगर पे भी आपने इस मशीन को लगाया है वहाँ पे ब्लड परफ्यूजन यानी कि ब्लड का फ्लो एडिक्वेट है या नहीं है। और कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिल सकती है किसी किसी मशीन में, वो है पल्स रेट का ग्राफ। ये पल्स रेट का जो ग्राफ है ये आपको ये बताता है कि क्या आपकी पल्सेज रेगुलर है या इरेगुलर है। तो अब हम देखते हैं कि इस मशीन को यूज़ कैसे करते हैं। तो यूज़ करने के पहले कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। वन ऑफ देम इज़ दैट अगर आपके फिंगर पे कोई नेल पॉलिश लगी है तो आपकी रीडिंग्स गलत आ सकती है। आपके फिंगर पे अगर वो जेल वाले नेल्स लगे हैं तो आपकी रीडिंग गलत आ सकती है। अगर आपके फिंगर पे कोई मेहंदी लगी है, कुछ खाना लगा है, मिट्टी लगी है तो भी आपकी रीडिंग गलत आ सकती है। सो वॉश योर हैंड्स प्रॉपरली एंड देन द वे यू यूज़ द मशीन इज़ क्वाइट सिंपल। बहुत ही सिंपल होता है ये कि ये मशीन को आपको ऐसे खोलना है, इसके अंदर अपनी फिंगर डालनी है और इसको बंद कर देना है एंड पावर बटन को दबाना है। तो वंस यू प्रेस द पावर बटन यू हैव टू वेट फॉर सम टाइम और उसके बाद इसमें रीडिंग्स आने लगेंगी। ये मशीन को यूज़ करना बहुत ही सिंपल इसलिए क्योंकि आपको फिंगर कैसे प्लेस करनी है उसके लिए ऑलरेडी ग्रूव बना हुआ है, तो आप गलती कर ही नहीं सकते। सो प्लेस द फिंगर करेक्टली, मेक श्योर दैट इट इज़ ऑन द लाइट एंड वंस यू प्रेस द पावर बटन यू विल स्टार्ट सीइंग द वैल्यूज। अब ये वैल्यूज़ को इंटरप्रेट कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहली वैल्यू जो कि इसमें आती है दैट इज़ कॉल्ड SpO2 या परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजनेटेड RBCs। तो ये वैल्यू 95 के ऊपर अगर है तो एकदम नॉर्मल है। कई लोगों में ये 90-95% के बीच में भी हो सकती है। अगर आपकी 90-95% के बीच में है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, यू नीड नॉट पैनिक। कई बार एज रिलेटेड चेंजेस की वजह से ऐसा हो सकता है, कई बार अगर आपकी स्मोकिंग वगैरह की हैबिट रही है तो ऐसा हो सकता है, अगर आपको कोई और लंग डिसीज़ रही है जैसे एस्थमा या कंजेस्टिव लंग डिसीज़ रही है COPD तो भी ऐसा हो सकता है। देर आर वेरी हाई चांसेस कि आपकी बॉडी 90-95% के बीच में भी मैनेज कर रही हो बिना आपको पता लगे, बस सिर्फ आपने पल्स ऑक्सीमीटर लगा लिया है इसलिए आपको ये पता चला है। तो अगेन डोंट पैनिक इफ़ योर वैल्यूज आर बिटवीन 90-95। हाउएवर आप अगर 90-95 के बीच में हैं और अगर आप डॉक्टर के पास इजीली जा सकते हैं तो आप ज़रूर जाइए, उनसे कंसल्ट कीजिए। हो सकता है वो आपका चेस्ट एक्सरे या लंग का CT स्कैन कराना चाहें ये देखने के लिए कि क्या आपको कोई बीमारी तो नहीं है। अगर आप एकदम बीमारी से फ्री हैं तो आप कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं और अपने लंग्स को और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं।
अगर 95 के ऊपर है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सब कुछ एकदम सही चल रहा है। नेक्स्ट वैल्यू दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज द पल्स रेट। पल्स रेट के ऊपर मैंने एक और वीडियो बनाया है जो कि काफ़ी डिटेल्ड है, आप वो देख सकते हैं। इन शॉर्ट मैं ये बताऊंगा कि पल्स रेट इज़ गुड बिटवीन 60 to 90 के बीच का जो नंबर है दैट इज़ नॉर्मल फॉर एन अडल्ट पर्सन इन रेस्टिंग कंडीशन। यानी कि अगर आप बैठे हुए हैं, आप कहीं से दौड़ के नहीं आ रहे हैं, तो आपके लिए अगर कोई भी वैल्यू बिटवीन 60 to 90 है, इट इज़ अ गुड वैल्यू। एनी नंबर अबव 90 स्टार्ट्स बिकमिंग ऑन द हायर साइड। अगर आपकी वैल्यूज 90 के से ज़्यादा है तो आप ये नोटिस कीजिए कि कहीं आप सीढ़ियाँ चढ़ के तो नहीं आए हैं या कहीं आप कोई काम तो नहीं कर रहे थे, थोड़ी देर रेस्ट कीजिए। एंड एनी नंबर बिटवीन 60 to 90 इवन अप टू 100 इज़ अ गुड वैल्यू। अगर 100 से ऊपर जा रहा है रेस्टिंग कंडीशन में भी, 110, 120 होता जा रहा है, देन दैट इज़ समथिंग दैट यू नीड टू कंसल्ट विथ योर डॉक्टर एज सून एज पॉसिबल। एक और इन्फॉर्मेशन जो आपको ये मॉनिटर देता है वो है परफ्यूजन इंडेक्स। ये हो सकता है सारे मशीन्स में ना हो, बट जिनमें हो मैं उनके लिए समझा देता हूँ कि परफ्यूजन इंडेक्स बेसिकली मींस दैट जिस फिंगर में आपने लगाया है क्या वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन एडिक्वेट है या नहीं है। हो सकता है कि वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन कम हो और आपका मशीन जो है वो जो ऑक्सीमीटर है वो आपको कम रीडिंग दिखाए, वो आपको ये बताए कि आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमता ही है। बट देर इज़ ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी कि उस फिंगर में हो सकता है ब्लड सप्लाई ही कम हो। ऐसा होता है कुछ कुछ पेशेंट्स में, जैसे जिनमें डायबिटीज़ वगैरह होती है उनमें भी ऐसी सिचुएशन होती है। सो परफ्यूजन इंडेक्स इज नॉर्मली बिटवीन 2 to 20%। एनी नंबर अराउंड 10%, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14% ऑफ परफ्यूजन इंडेक्स इज सफिशिएंट टू टेल यू कि आपने जिस भी फिंगर में मशीन लगाई है वहाँ पर ब्लड परफ्यूजन एडिक्वेट है। इसके अलावा एक और आपको रीडिंग ये मशीन देगी विच इज़ द ग्राफ ऑफ योर पल्स। तो ग्राफ ऑफ द पल्स देख के हमको ये पता चलेगा कि क्या हमारी पल्स रेट रेगुलर है या इरेगुलर है। एक नॉर्मल व्यक्ति में जिसे कोई बीमारी नहीं है, ये वैल्यू जो है वो रेगुलर होनी चाहिए, आपका पल्स रेट रेगुलर होना चाहिए। अगर वो किसी भी कारण से इरेगुलर है, अगर आप वो ग्राफ को देख रहे हैं कि वो आता है फिर रुकता है, फिर आता है फिर रुकता है, तो आप ये प्रॉब्लम को नोटिस कीजिए एंड यू शुड गो टू योर डॉक्टर एंड कंसल्ट कि ऐसा क्यों हो रहा है। इट मे इंडिकेट एन अंडरलाइंग डिसीज। एक लास्ट चीज जो मैं कहना चाहूँगा कि जनरली ये जो मॉनिटर आप देख रहे हैं, जैसा कि आप अमेजोन पे लेते हैं, ये अडल्ट्स के लिए रहता है और फिंगर में यूज़ करने के लिए रहता है, हाथ की फिंगर्स में। बच्चों के लिए मॉनिटर अलग आता है। अगर आप ये मॉनिटर को और बॉडी में कहीं भी यूज़ करेंगे तो आपकी रीडिंग गलत आ सकती है। सो दिस इज़ ऑल दैट आई वॉन्टेड टू टेल यू अबाउट द पल्स ऑक्सीमीटर। आई होप इससे आपके काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर हो गए हों। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप ये मुझे बताइए कमेंट करके, और अपने दोस्तों के साथ, सबके साथ इनको शेयर कीजिए एंड उनको भी इस सारी नॉलेज का फायदा होने दीजिए। सो सब्सक्राइब टू द चैनल, लिव हेल्दी लिव स्मार्ट। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।